मैं 3-ply की यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हुक है 2.0 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे 12 चेन मैंने बनाए हैं। अब इसे बंद कर दूँगी इस फर्स्ट चेन में। यहाँ पे सर्कल बनाना है बड़ा सा। यहाँ पे 12 चेन बनाए हैं। अब वन चेन बनाने के बाद यहाँ पे वन सिंगल चेन, 2, 3, 22, 23, 24। यहाँ पे 24 चेन बनाने हैं, 24 चेन, फिर हमारा डिज़ाइन सही बनेगा। अगर एक कम हुआ तो फिर डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पे सर्कल बना लें मैंने। अब 1, 2, 3 चेन और स्पेस के लिए 5 चेन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 8 चेन लिए हैं। फर्स्ट चेन को छोड़कर 1, 2, 3 में डालना है इस तरह। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाए हैं। 1, 2, 3 में 1 double chain बनाना है। इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद जो कि इसमें हमने डाल और एक काउंट करना, उससे आगे 1, 2 और 3 में 1 double chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 double chain। अब 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 3 chain काउंट करने हैं। 1, 2, 3 में बंद कर दूँगी इसे। ये 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इधर इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 7 सिंगल चेन बनाए हैं। अब नेक्स्ट गैप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे 7, फिर नेक्स्ट में 7 चेन। इसी तरह 7 चेन के साथ इधर तक कंप्लीट करना है। डाल लिया है। यहाँ पे टोटल 56 चेन है। 7 चेन इसमें डाले हैं, 56। यहाँ पे 56 चेन है। 56 सिंगल चेन बनाए हैं। अब इधर 1, 2, 3 और स्पेस के लिए 4 चेन लेना है। 1 चेन को छोड़ के 2 में 1 बनाना है। फिर 1 चेन को छोड़ के 2 में छोड़ कर 2 में 1 डबल चेन बनाना है। 1 चेन 1 को छोड़ के 2 में 1 चेन 1 को छोड़ के 2 1 चेन 1 को छोड़ के 2 में 1 डबल चेन। इसी तरह स्पेस के लिए यहाँ 1 चेन बनाया है, फिर 1 चेन को छोड़ के दूसरे चेन में 1 डबल चेन बनाया। इसी तरह यहाँ पे कंप्लीट करना है 28 चेन के साथ। ये जो डबल चेन है यहाँ पे 28 चेन होने चाहिए। 8 इधर से काउंट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ पे मैंने 28 चेन कंप्लीट कर ली हैं। अब 1 chain, 1, 2, 3 काउंट करके 3 में स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है 28 चेन के साथ। अब राउंड इसके बाद यहाँ पे 1, 2 ये पहले 1 चेन था, 1, 2, 3 चेन। इस होल में इस गैप में 1 चेन। अब इस डबल चेन के ऊपर 1 चेन। अब इसमें 1 और 2 डबल चेन,
फिर एक चेन के ऊपर 1 डबल चेन, इसमें 1 2 डबल चेन और इस चेन के ऊपर 1 चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे वूल मैं 3-ply की यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। यहाँ पे 1 चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 2 डबल चेन के साथ और 1 डबल चेन के साथ। 83 डबल चेन बनाए हैं, 83 डबल चेन। अब 1 2 3 चेन, यहाँ पे 2 चेन, फिर 1 2 3 3 डबल चेन के बाद 3 4 5, यहाँ पे 5 डबल चेन, 1 1, यहाँ पे 2 डबल चेन बनाए, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 में एक और चेन बनाना है। इस तरह 6 चेन बन जाएंगे, 5 चेन के बाद 2 डबल चेन बनाने हैं। यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 5 डबल चेन बनाए हैं, यहाँ पे 2 डबल चेन बनाए थे, उसके 1 2 3 4 5 5 के बाद यहाँ पे 1 डबल चेन। अब इसी होल में एक और डबल चेन बनाना है, यहाँ पे 2 डबल चेन बन जाए। इसी तरह यहाँ पे मैंने बनाए हैं 83 डबल चेन। अब इस राउंड में 96 चेन बनाने, फिर हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट होगा। इस राउंड में 96 डबल चेन बनाने हैं, 5 डबल चेन, 1 2 3 4 और 5, 5 डबल चेन। इसके बाद यहाँ पे 2 डबल चेन, 5 6। इसी तरह यहाँ पे इस राउंड में 96 चेन हो तो फिर हमारा डिज़ाइन जो कंप्लीट होगा, वरना गलत बन जाएगा। 96 डबल चेन होने चाहिए, 96 डबल चेन होने चाहिए, 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने काउंट किया है, मेरे 96 डबल चेन हैं। अब इस राउंड को कंप्लीट हो चुका है। अब वूल को कटिंग कर दूंगी, यहाँ पिंक डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। अब हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल चेन बनाते जाना इस तरह। यहाँ पे अब यहाँ पे इस चेन के अंदर सिंगल चेन बनाते जाना है इस तरह। यहाँ पे अंदर नहीं डालना, ये जो होल है इसमें सिंगल चेन डालते जाना है। यहाँ डबल चेन के अंदर यहाँ पे नहीं डालना, इधर जो होल है इसके चेन के ऊपर ही एक एक सिंगल चेन बनाते जाना है। इसी तरह यहाँ इसको चेन कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब 1 चेन के बाद इसको फूल को कटिंग कर दूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करूँगी। यहाँ वाइट कलर, यहाँ पे 1, इस फूल को इधर ही लेते जाऊँ, 1 2 3 4 5 3 4 5, यहाँ पे 5 चेन बनाने हैं। 5 चेन बनाने के बाद 1 चेन को छोड़ के 2 चेन में 1 डबल चेन, इस तरह 1 2 1 को छोड़कर 2 में 1 2 1 चेन को छोड़ के 2 में 1 डबल चेन, फिर 1 2 1 को छोड़ के 2 में 1 डबल चेन।
इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, काउंट करने हैं 1 2 3 4। इसी तरह मैंने ये काउंट किया है, 48 डबल चेन बन चुके हैं। 1 2 2 चेन बनाने के बाद 1 2 3 3 में स्लिप स्टिच कर दूंगी। अब यहाँ पे इसी गैप में यहाँ पे 1 2 3 3 चेन, 1 2 3 और 4 डबल चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, इसी में 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 डबल चेन बना है, फिर 1 2 3 चेन। अब इन 3 और 4 चेन। अब इन 2 गैप को छोड़ के इस गैप में 4 डबल चेन बनाने हैं, 1 2 3 3 और 4 डबल चेन, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी में 1। यहाँ पे ये मैंने 4 डबल चेन के साथ कंप्लीट कर लिया, टोटल 8 डबल चेन है, 1 2 3 4 चेन। अब इन 2 गैप को छोड़ना है, 1 और 2 और 3 में 1 2 3 और 4 डबल चेन मैंने बनाया है। अब 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 4 डबल चेन बनाने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे टोटल 8 डबल चेन बनाए हैं, 8 डबल चेन। अब इधर 1 2 3 4 चेन के बाद फिर 1 और 2 गैप को छोड़कर 3 गैप में यहाँ पे 8 डबल चेन बनाने हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है यहाँ तक। यहाँ पे 16 पेटल मैंने कंप्लीट कर लिए। अब इधर 1 2 3 4 चेन, फिर इसमें बंद कर दूंगी इसके ऊपर, इसमें लेना नेक्स्ट में। अब यहाँ पे 2 चेन को छोड़कर 1 2 इसमें 1 2 3 चेन, फिर इसमें 3 चेन, 1 और 2। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाऊंगी, 3 चेन से ये गैप ज़्यादा बन जाएगा, 1 2 इसमें 2, यहाँ पे 3, इधर 4, यहाँ पे भी 4 चेन बनाए हैं। अब इधर 1 2 3 चेन बनाऊंगी, फिर इधर स्लिप स्टिच कर दूंगी, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन। अब 1 2 चेन को छोड़कर तीसरे चेन के ऊपर 1 डबल चेन, फिर 2 डबल चेन यहाँ पे। अब इसमें इस होल में 1 और 2 चेन, यहाँ पे टोटल 2 चेन बना है, इधर 2 चेन बनाऊंगी, 1 और 2 इस होल में, इस गैप में 2 चेन, फिर इधर इसके ऊपर 2 3 और 4, यहाँ पे भी 2 बच गए हैं। 4 राउंड इसी तरह कंप्लीट करना, उसके बाद फिर डिज़ाइन और बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है 4 राउंड, 1 2 3 4 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर इस तरह बंद कर दूंगी, फिर 1 2 3 3 चेन में 1 2 3 3 में इसे बंद कर दूंगी। अब 1 चेन के बाद कटिंग कर दूंगी। यहाँ पे 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 4 राउंड। अब इसके बाद ये पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर। अब यहाँ पे पिंक कलर में
हर चेन के ऊपर एक डबल चेन बनाते जाना है। यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे 1 2 3 3 4, इन 4 के ऊपर 4 चेन बनाए हैं मैंने, 4 के ऊपर 4 चेन, 4 डबल चेन। अब इस गैप में 2 चेन बनाने हैं, 1 और 1 और 2। इस राउंड में 5 राउंड में 4 5 6 चेन डबल बनाने हैं, 1 2 चेन, फिर इसी में 1 2 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 3, हर चेन के ऊपर 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डबल चेन बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 6। इस साइड पे फिर गैप के लिए 2 चेन, फिर 6 चेन, 6 चेन के बाद अब यहाँ पे 1 2 3 3 और 4, यहाँ पे 4 चेन, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे इसके ऊपर 1 चेन, 1 चेन, फिर इसमें 2 3 4 4 चेन, 4, और इस गैप में 2 चेन में 4 5 6, 1 2 2 चेन, अब इसी में 1 और 2 चेन, फिर इसके ऊपर 1 चेन, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डबल चेन मैंने बना ली है, 1 2 3 3 और 4, यहाँ पे 4 चेन सही रख दिया। नीचे मैंने निचले राउंड में 3 चेन बनाए थे, अभी तक 4 चेन, अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसमें 1, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 चेन बनाए हैं, अब इधर 5 5 और 6, 6 चेन, यहाँ पे 1 2 चेन, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 6 डबल चेन के साथ। पिंक राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब इधर बंद कर दूंगी। वन चेन, चेन के बाद कटिंग कर दूंगी। अब इसके बाद वाइट वूल यूज करूंगी, वाइट वूल में यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 2 चेन छोड़ के 1 2 3 चेन,
यहाँ पे स्टार्ट में वन टू चेन छोड़े हैं, टू थ्री फोर, फोर डबल चेन। इसके बाद इस गैप में फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स डबल चेन बनाने हैं, फिर वन टू, टू चेन बनाने के बाद वन डबल चेन, टू डबल चेन, यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल चेन, यहाँ पे टू चेन रह गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ पे टू चेन छोड़ के थ्री में डबल चेन, यहाँ पे मैंने सिक्स चेन बनाए हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स डबल चेन, वन टू, टू चेन, फिर इस गैप में वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे लास्ट में टू राउंड टू डबल चेन रह चुके हैं, यहाँ पे सिक्स डबल चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन बनाने के बाद इधर यहाँ पे वन टू, टू चेन को छोड़ के वन डबल चेन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल चेन, फिर वन टू चेन, फिर इसी गैप में टू डबल चेन। अब इसके ऊपर यहाँ भी जो है इधर इसमें एक डबल चेन, थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे सिक्स चेन है। इधर देखो यहाँ पे टू ये सुराख से होल से बच गए, इस साइड पे एक ही होल को बचाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चेन। अब यहाँ पे टू चेन, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है, तकरीबन फाइव राउंड बनाने हैं, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर राउंड बाइट के कंप्लीट करने, इसी तरह कंप्लीट कर लिए वाइट के, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव राउंड यहाँ पे कंप्लीट करना है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डबल चेन बनाने हैं, यहाँ पे ये लास्ट राउंड फाइव का है, टू डबल चेन। अब इसके ऊपर यहाँ जो होल है उस सुराख है उसमें टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यहाँ पे सिक्स चेन बनाने हैं। अब वन वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसके ऊपर इस तरह स्लिप स्टिच कर दूंगी, वन टू थ्री चेन, वन टू, टू चेन छोड़ के थ्री में वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स डबल चेन बनाए हैं। अब इधर वन टू, टू चेन बनाने के बाद इसी गैप में टू डबल चेन बनाने हैं। अब इसमें इस चेन के ऊपर एक चेन, थ्री फोर
सिक्स चेन। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इधर स्लिप स्टिच कर दूंगी 1 चेन। यहाँ पे ये मैंने राउंड 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब इधर यहाँ पे हर चेन के ऊपर एक एक डबल चेन बनाते जाना है। 1 2 3 चेन, 1 डबल चेन, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 डबल चेन बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 2 चेन बनाने के बाद इसमें 1 2 चेन, फिर इसके ऊपर 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे 8 डबल चेन बनाए हैं मैंने। इसके बाद यहाँ पे 8 डबल चेन बना लिए हैं। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें इसी में स्लिप स्टिच कर दूंगी 1 2 3 चेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिंक कलर के ये 6 राउंड है। वाइट मैंने कंप्लीट कर लिए 1 2। यहाँ स्टार्ट में ये जो होल है इसके ऊपर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 चेन बनाया है। अब यहाँ पे 1 2 चेन, 3 4 5 6 7 8। 8 चेन मैंने कंप्लीट कर ली। इधर भी 8 चेन। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके इस तरह बनाना है। अब 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 चेन कंप्लीट किए मैंने। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर अब इसको कटिंग कर दूंगी वूल को।